बैक टू माई चैनल गाइस, आई होप यू पीपल आर गेटिंग बेनिफिट्स। सो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा, जस्ट वन थिंग, जिससे आपकी राइटिंग, अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, अगर मेरी एडवाइस को मानोगे, आप इसको पूरी तरह से वैसे करोगे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आपके 100% 7+ जो स्कोरिंग है बहुत ही ज्यादा आसानी से आ जाएगी। बहुत आसानी से नहीं कह सकते, क्योंकि हिम्मत चाहिए ऐसी चीजें करने के लिए, इन चीजों को सीखने के लिए। सब में हिम्मत नहीं होती, नॉट एवरी वन हैज द गट्स, ओके, नॉट एवरी वन इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, बट इफ यू फॉलो मी, ओके, इफ यू, अगर आप मुझे पूरी तरह से फॉलो करोगे जो भी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, देन यू डेफिनेटली आर गोइंग टू लर्न अलॉट फ्रॉम दिस, यू डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर राइटिंग अलॉट। सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंटेंस वेरिएशन, सो दिस विल बी इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, सो बोथ ऑडियंसेस वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इन मच बेटर वे। सो इस वीडियो के बाद आपको जो राइटिंग की जो इश्यू होगा वो बहुत ही बिल्कुल ही इलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं तो प्लीज इसको पूरा फॉलो कीजिए। और दूसरी बात ये कि चैनल की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई है, सो आई रियली नीड योर हेल्प, सो ट्राई टू जस्ट शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल, ओके। सो दैट्स वाई टूडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अवर दिस सेशन, जस्ट वन थिंग, okay, so today we are going to talk about sentence variation, so how we can write just one sentence in three different ways. So the meaning will be same, okay, but the sentence variation will be different. So meaning same hoga but variation bahut hi zyada hogi. So ek bar main aapko teen example dunga, so I'm going to give you three examples, so stick with me. So teen example tak mere sath jude rehna, fir hi aapko pata chalega ki waqai ye cheez sach mein zindagi badal dene wali hai, aur jinhone is cheez ko nahi kiya wo baad mein जो है हमें नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। सो यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंस, ओके। सो सिंस ही इज वर्किंग हार्ड ही वुड बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, यू ऑलरेडी नो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक दैट हाउ वी कैन राइट दिस सेंटेंस इन थ्री डिफरेंट वेज। एंड व्हेन यू राइट लाइक दिस, जब भी आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिखते हो ना, एक ही सेंटेंस को तीन तरीकों से लिखने का अगर आपको पता हो तो आपकी जो राइटिंग का लेवल है वो किस लेवल तक जा सकता है आपको नहीं पता, ये चीजें आपको नहीं बताई जाती। तो इसको देखिए, प्लीज इसको समझने की कोशिश, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इसलिए वो सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा। सो ये चीज सिंस की पावर है। सो अभी देखिए इसी को मैं और कैसे लिखता हूं। तो देखिए सिंस का मतलब ये निकला, तो अगेन पढ़ ले, क्योंकि वो मोहन मेहनत कर रहा है इसलिए वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन, सिंस इज वर्किंग हार्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट यूज अनदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू मेक अ सिमिलर मीनिंग, ओके। सो वर्किंग हार्ड मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल, अगेन सो मेहनत करना एक पर्सन को सक्सेसफुल, बोथ हैव अ सिमिलर मीनिंग, ओके। सो बट नाउ वट इज वट दिस इज वट वी कॉल सेंटेंस वेरिएशन, यू वॉन्ट टू राइट समथिंग, ओके, बट हमें वी डोंट वॉन्ट टू रिपीट एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। सो इससे हम जो हमारे जो है हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो इसको एक और तरीका है कैसे, इफ ही वर्क्स हार्ड ही वुड बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल। सो तीनों का मीनिंग सेम है, सो थ्री ऑफ देम हैव अ सिमिलर मीनिंग, बट जो लिखने का स्टाइल है इसी चीज को सेंटेंस फ्री, जब ये चीज ना किसी में नहीं मिलती, सो यही चीज हम कहता हूं कि आप इन चीजों को लिखें। तो मैं आपको अभी समझ आ गया होगा किस तरह से इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, इस तरह से नहीं लिख सकता है। तो मैं अगेन आपको बताता हूं, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं और भी एग्जांपल्स ले, इसको पूरी तरह से समझे तो मैं आपको काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, इसको पूरा देखते हैं तो आप कैसे करते हो। अगेन मैं आपको समझाता हूं, सो अगेन सिंस इज वर्किंग, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए वो सक्सेसफुल पर्सन बन पाएगा, ओके, बन जाएगा। सो अगेन वर्किंग हार्ड, सो मेहनत करना किसी पर्सन को सक्सेसफुल बना देता है, क्योंकि अगर वो मेहनत करता है तो वो इस चीज को सक्सेसफुल बन पाएगा। तो अगेन आप यहां से देख सकते हो कि तीनों का जो मेन मोटिव हो दैट इज सिमिलर, मेहनत करने से जो है सक्सेसफुल बन जाता, बट इसको लिखने के देयर मेनी वेज टू राइट दिस, ओके। सो अगेन नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जांपल, सो जो सबसे मेन पार्ट है वो मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, तब तक हम पहुंचेंगे। तो सो अगेन अनदर एग्जांपल, सो यू पीपल कैन ऑल्सो डोनेट मी इफ यू थिंक दैट कंटेंट इज यूजफुल। सो मैंने अपना जो नंबर ऊपर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, सो वहां पर आप मुझे डोनेशन भी दे सकते हैं, जो कि मैं आप ही के लिए यूज करूंगा कंटेंट को बेटर करने के लिए। सो यू कैन पेटीएम मी इफ यू पीपल थिंक दैट दिस कंटेंट इज यूजफुल, सो अगेन दैट विल बी फॉर यू, ओके। सो आई विल यूज एवरी फंड फ्रॉम यू फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यू, ओके। सो सिंस CO2 इज द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन, सो गवर्नमेंट शुड मिटिगेट इट फर्स्ट। अगेन देखिए, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी
strong structure. This is already a very strong structure, okay, since carbon dioxide is the main cause of pollution. So this comma means therefore government should mitigate it first. So agar aapko ye nahi pata sins vagera kaise lagana, so already many videos are available on my channel, you can use them, links are available in the description. So again, eliminating, okay, so yahan par g reh gaya, eliminating carbon dioxide would solve the problem of pollution significantly. So carbon dioxide ko remove karna carbon pollution ki problem ko bahut zyada limit kar dega. If governments eliminate CO2, the condition environment would significantly be improved. Agar government inko eliminate karti hai, to uski jo environment ki condition bahut hi zyada jo hai improve kar di jayegi. So again you can see that how strong these sentences are. So this is just one sentence but with three different meanings. Okay, so I hope कि आपको ये चीज पता चल गई, बट जो सबसे स्ट्रांग है वो अभी हम बात करेंगे. सो एक चीज आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझसे पूछते रहते हो, यू पीपल आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वेयर डू आई टीच. ओके, सो आई टीच इन थेम्स इंस्टीट्यूट महेश्वरी चौक इन बठिंडा सिटी. सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई एम जस्ट अ टीचर देयर. ओके, इट्स नॉट माई इंस्टीट्यूट, सो आई एम जस्ट अ टीचर. सो थेम्स इंस्टीट्यूट महेश्वरी चौक इन बठिंडा. सो इफ यू आर विलिंग टू टेक कोचिंग फ्रॉम मी, यू कैन ज्वाइन. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सुपरमैन. सो द सुपरमैन ऑफ आयल्स. सो हु इज द सुपरमैन ऑफ आयल्स? सो आल्दो. आल्दो इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर यू कैन एवर यूज फॉर योर आयल्स राइटिंग, आयल्स स्पीकिंग एंड इवन इन रीडिंग इट कैन हेल्प यू लॉट. सो जहां पर भी आपको आल्दो मिल जाए ना, तो वहां पर रीडिंग का आंसर 100% आपको पड़ा है. सो आल्दो देर आर अ फ्यू नेगेटिव्स ऑफ दिस अप्रोच, द पॉजिटिव्स ऑफ इट आर फार हायर. सो माना कि देर काफी ज्यादा नेगेटिव, परंतु जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत ही जो ज्यादा हैं. सो अगेन दिस इज ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बट इसको लिखने के despite, so this is like Batman, so Batman is again one of the most powerful jo characters. So this is not one of the most, but this is the most powerful, so best jo world known character hai. Despite a few negatives, okay, do over negatives likhte of this approach, so uske bavajood bhi, uske bajaye bhi, this certainly is a positive trend. So again dono ka meaning same nikal raha hai. So you can see that these two are very very strong. So teesra bhi pada hai hamara. So these are very very strong. Okay, so अगर आप इन चीजों को लिख सकते हैं, अगेन इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है, लिंक में अवेलेबल है. सो इवन आफ्टर द नेगेटिव्स ऑफ दिस ट्रेंड, दिस सर्टेनली इज एडवांटेजियस फॉर अस. सो यू कैन सी दैट इसको लिखने के तीन तरीके. सो नो वन टेल्स यू. ओके, सो यू ऑलरेडी नो दैट नो वन टेल्स यू अबाउट दीज थिंग्स. सो इस तरह से अगर आप लिखोगे ना आपकी राइटिंग में, जस्ट वन टिप की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको लिखोगे राइटिंग में, तो आपकी जो राइटिंग है इट विल इम्प्रूव एक्सपोनेंशियली. So again, you people can donate if you think that I'm helping you. Okay, if these videos are helpful, so any small donation would be appreciated. Okay, not would be, I will definitely appreciate that. So my institute is Thames Maheshwari Chowk Bathinda. Okay, so you can, people can donate me and help me to grow this channel, because I have been watching for quite a long period of time that my channel is not growing now. Okay, so help me to spread. So this was our video and I'm sure this was certainly helpful to you. So no clickbait, just real content for all of you. Okay. So just let me explain it in English for the English speakers. So since he is working hard, he would be able to become a successful person. So we are just giving a reason. Okay, the reason is working hard, and then we are giving an explanation. So we are giving the result, that is becoming a successful person. And now we are using gerund to provide the same meaning. So working hard makes a person successful. So working hard is something that makes a person successful. So there we are using a conditional. So if he works hard, so we are again associating it. The comma here means that this comma, so that is with hard, that means then. So you are not going to write then again before he. So this is, he would be able to become successful. So since he is, so as we already know that carbon dioxide is the main problem. So eliminating, again you can just read them, although there are a few negatives of this approach, the positives of it are far higher. Despite a few negatives of this approach, this certainly is a positive trend. Even after the negatives of this trend, this certain disadvantage is for us. So all the videos are available in the description. If people people have difficulties regarding understanding Hindi, so you can just watch it in English. So the also English version of these videos will available be soon to you. Okay, will be made available to you soon. Oh, I'm sorry, but I'm talking. So again, sorry. So whenever I talk Hindi and English together, then I sometimes get confused. Okay, so which word I'm going to talk next? So again, so this was our video. I hope this video was helpful to you.
So all the links are in description. You can use all of them, and I'm sure that after this tip, you definitely are going to improve your writing. So thank you all. So hope you people are getting benefits. So thank you. Keep subscribing and.